15 मार्च से चलेगी भागलपुर से नई ट्रेन। भागलपुर के रास्ते एक नई ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है शुरू। ऐसे में यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो ट्रेन चलेगी, वे ट्रेन के बारे में आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और इस ट्रेन के चलने से लंबी दूरी के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करें शुरू। से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भागलपुर में जो भी ट्रेन चली है, वे अभी लंबी दूरी की ट्रेन के साथ साथ लोकल एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधाएं के साथ चल रही है। लेकिन अब जो ट्रेन चलेगी, वे भागलपुर के रास्ते मालदा टाउन से आनंद विहार तक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मालदा टाउन आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन जल्द देखने को मिलेगा। रेलवे की ओर से इस ट्रेन को लेकर के मंजूरी आ चुकी है और बताया गया कि यह ट्रेन को जल्द खोला जाएगा। मालदा टाउन से यह ट्रेन साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, अभयपुर, किऊल के रास्ते पटना होते हुए यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल को जाती है। भागलपुर से दिल्ली के लिए मिल जाएगी एक और ट्रेन अगर इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाता है तो। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ट्रेन को खोलने की बात कही जा रही है, और मिली जानकारी में बताया गया है कि यह ट्रेन 15 मार्च से चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 03429 के साथ यह ट्रेन चलेगी, जिसमें आपको रिजर्वेशन करानी पड़ेगी। हालांकि इसकी अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है और ना ही शेड्यूल जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में इस ट्रेन को जुड़ी वो सभी जानकारी आ जाएगी जो कि सवाल अब तक मन में उठ रहा है। 15 मार्च से पहले इस ट्रेन की बुकिंग भी चालू होगी, और नए वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ट्रेन की बुकिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। मालदा टाउन से आनंद विहार के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन आरंभ हो जाने से मालदा टाउन के साथ साथ आनंद विहार दिल्ली के लिए भी एक और नई ट्रेन भागलपुर के रास्ते मिल जाएगी, जिससे भागलपुर के यात्रियों को ही नहीं बल्कि मुंगेर, लखीसराय और पटना के यात्रियों को भी एक नई ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा। इस ट्रेन का परिचालन को पहले भी कई बार नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उस समय ट्रेन चालू नहीं हो पाई थी। वजह कुछ भी हो, अब लगता है कि इस बार यह ट्रेन खुलने जा रही है। इसकी मंजूरी तो रेलवे बोर्ड ने दे दी है, लेकिन अभी शेड्यूल पर बड़ा संशय बना हुआ है। आने वाले नए वीडियो अपडेट में पूरी जानकारी लेकर के आएंगे। वीडियो को करें शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब।